हेलो फ्रेंड्स, सभी यूट्यूबर्स के लिए गूगल की तरफ से बहुत ही बैड न्यूज़ आई हुई है। अगर सभी लोगों ने ये देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो इनको देख लीजिए। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, गूगल हैज़ ए बैड न्यूज़ फॉर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। तो इसमें गूगल ने कुछ गूगल जिसका को कहते हैं कि बहुत बड़ा वेबसाइट है पूरे वर्ल्ड में, और उसके अंदर में ही YouTube आता है, और जो कि YouTube के ज़रिए बहुत लोग जो होते हैं YouTube क्रिएटर्स बन करके YouTube से काफ़ी अर्निंग करते हैं। तो ऐसे अर्नर्स को, ऐसे YouTube कंटेंट क्रिएटर्स को एक झटका लगने वाला है Google की तरफ से। और उसमें हुआ क्या है कि उसमें कुछ न्यू रूल्स को अमेंड किया है Google ने, और उसमें ये दिया कि अब आपको US के टैक्सेस पे करने पड़ेंगे इफ़ यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम यूट्यूबर्स, एज ए यूट्यूबर्स फ्रॉम द यूट्यूब। उसमें ये देखिए, आपको साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सर्च जायंट इन एन ईमेल टू ऑल यूट्यूबर्स इन्फॉर्म दैट इट विल बी रिक्वायर्ड टू डिडक्ट US टैक्सेस फ्रॉम द पेमेंट्स टू क्रिएटर्स आउटसाइड ऑफ द US। अमेरिकन यूट्यूबर्स विल नॉट हैव टू टेक ऑन एडिशनल टैक्स बर्डन, दिस एडिशनल टैक्स फॉर द यूट्यूबर्स आउटसाइड द US में स्टार्ट गेटिंग डिडक्टेड एज अर्ली एज June 2021। मतलब बस ज़्यादा नहीं दोस्तों, केवल June 2021 तक ही आप अर्निंग कर सकते हैं, उसके बाद से फिर ये इसमें अपने US टैक्सेस को ये लेना शुरू कर देगा। और अगर उन टैक्सेस को आप पे नहीं करते हैं फ्रॉम द May 31, 2021, देन गूगल आपको मे बी रिक्वायर टू डिडक्ट अप टू 24% ऑफ ए टोटल अर्निंग वर्ल्ड वाइड। तो गूगल ने ऐसा भी स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 24% अगर आप नहीं करते हैं डिडक्ट, तो वो 24% आपके अर्निंग में से टोटल काट सकता है गूगल। काट सकता नहीं, काटेगा ही। और इसमें आपको जो भी इसके रूल्स हैं यूट्यूब के, उस पर आपको इसकी जानकारी पूरी मिल जाएगी। और यहाँ पर उसने एक रिपोर्ट के ज़रिए गूगल में एक मैसेज ड्रॉप किया है सभी कंटेंट व्यूअर्स के लिए कि वो उनको जाने और इस चीज़ को आगे प्रमोट करें और ऐसा करें जैसा यूट्यूब कह रहा है, तभी आप अच्छे से पैसा कमा सकते हैं यूट्यूब से, नहीं तो आपकी अर्निंग में थोड़ा सा डार्क शेडो दिखने वाले हैं, ऐसा गूगल की तरफ से है। थैंक यू दोस्तों।